राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री के बयान की मांग की जा रही थी मणिपुर के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना जिस तरीके का वीडियो सामने आया है, संतुष्ट हैं अब आप? इतनी देर चुप्पी क्यों थी? ये वाकया तो हमें पता चला है कि 3 मई को शायद हुआ और ये वीडियो फुटेज भी सामने आ रही है। और जो मणिपुर में हो रहा है, जो दंगे, जो फसाद, जो किलिंग्स, जो जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री इतनी देर चुप क्यों थे? आज तो जुलाई हो गया। और जो बोले हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? वो तो जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की आज सुबह, तो उसके बाद ही बोले हैं ना, उससे पहले क्यों नहीं बोले? आज इनको क्यों दर्द हो रहा है? जब ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो बेटी बचाने का ये काम है और FIR जो लॉज होती है, रजिस्टर होती है, उसमें लिखा है कि हमें मालूम नहीं कि किसने ये कत्ल किया और किसने ये काम किया, कत्ल तो नहीं, किसने ये ऐसा काम किया, और पुलिस को नहीं मालूम, लेकिन सारे देश को मालूम है, उसकी वीडियो फुटेज है, तो पुलिस कैसे कह सकती है कि अननोन पर्सन? एक आखिरी में सर, किस तरह का एक्शन आप सेंट्रल मिनिस्टर आप सुप्रीम कोर्ट किस तरह का एक्शन इस मामले में लेना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक्शन ये सरकार बाकी केसों में ले रही है, ऐसा तो एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कैपिटल पनिशमेंट तक जाएंगे और इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच। इतनी देर क्या कर रहे थे? किसको पकड़ा उन्होंने? कब पकड़ा? क्या कर रहे थे इतनी देर? इतनी देर चुप क्यों थे? मुख्यमंत्री चुप थे, गृह मंत्री चुप थे, मुख्यमंत्री प्रदेश के चुप थे, गृह मंत्री चुप थे, प्रधानमंत्री चुप थे, चुप क्यों थे? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।